ये पीछे मेरे बैकग्राउंड में मंदिर है, अभी अंदर गया था थोड़ा दर्शन किए और अभी जा रहा हूँ भंडारे में खाना खाने के लिए। और यही सामने पे है भंडारा, तो वहाँ पे खाना खा के आते हैं। और मेरे साथ जा रहा है छोटू, और दोस्त है नहीं, बाकी इसी को अपना दोस्त मान के चल रहा हूँ यहीं पे भंडारे पे, और यहाँ से खाना खाते हैं फिर रूम पे चलते हैं उसके बाद।
गुड मॉर्निंग नमस्ते सभी भाइयों को मेरा प्यार व्यापार ना, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। बाकी ना सुबह सुबह हम श्री राम जी के दर्शन करने गए थे मंदिर पे, बाकी आप लोगों ने ब्लॉग में देखा होगा। और सुबह आज मेरी छुट्टी भी है उस वजह से, बाकी सुबह 8 बजे पहले जिम गए थे और उसके बाद 10:30 बजे लगभग हम मंदिर पे गए थे और थोड़ा दर्शन करके आ गए। तो दोस्तों मैं अभी मंदिर में हूँ और ये मेरे पीछे बैठे हैं सिया राम जी, और मैं मंदिर में व्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, म्यूजिक चल रहा है काफ़ी तेज। ये आ चुका हूँ मैं फिर से माता रानी का प्रसाद लेके। अभी मंदिर से प्रसाद लेके आया था तो प्रसाद खाते हैं पहले धूप पे बैठ के। चलते हैं होटल पे और यहाँ से जब हम जाएंगे ना हाईवे मेन रोड पे, तो वहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। अभी भी भंडारा चालू होगा, काफ़ी लोग वहाँ पे होंगे, मैं दिखाता हूँ आपको। चलते हैं। सुबह मैंने ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग तभी नहीं की क्योंकि मैं सुबह नहाया भी नहीं था और मंदिर पे काफ़ी शोर शराबा भी हो रहा था, तो मतलब म्यूज़िक चल रहे थे श्री राम जी के, तो मैं सुबह ब्लॉग नहीं बना पाया। तभी मैं ब्लॉग अभी स्टार्ट कर रहा हूँ दोपहर के 3 बजे से। जी दोस्तों, यहाँ सामने पर भी भंडारा है आज। मेरे बैकग्राउंड में है ना, यहाँ पे था भंडारा और यहाँ से भी हमने खाना खाया है, प्रसाद खाया है। और हमारी गली की रोड है ना जो, वहाँ से भी लिया था हमने प्रसाद, तो थोड़ा थोड़ा सब जगह से लिया। ये बैकग्राउंड में है जो पहुँचते ही अपने लिए थोड़ा सा खाना ले लिया और आज दाल पालक बना रहा शायद, हाँ तो थोड़ा सा ही खाऊंगा, ज़्यादा नहीं खाऊंगा, बस खाना भी खा लिया। बाकी मैंने सोचा कि कल यहाँ सुबह से और रात से अभी तक चाय नहीं पी, तो मैंने सोचा चाय पी बना के चाय चू पी के चलते हैं। और गर्म पानी भी ले जाना है रूम पे क्योंकि वहाँ ठंडा पानी आ रहा तो गला खराब हो रहा, तो गर्म पानी भी ले जाना है यहीं से और चाय पी लेते हैं। सुबह भी चाय नहीं पी और आज आपको एक ही चाय होगी, वो अभी पीऊँगा और सीधा कल सुबह मिलेगी अब चाय, तो चाय चू पी के गर्म पानी ले जाते हैं रूम पे एक बर्तन भर के। बस फाइनली अभी चाय पी के आ चुका हूँ रूम पे और गर्म पानी भी लाया था साथ में। और सुबह का टाइम तो हमारा कट गया था, मैंने सोचा थोड़ी देर स्टाफ के साथ रहते हैं, बाकी याद आया एकदम से अभी मेरे कपड़े भी है धोने के लिए, बाद में तो ठंड होती है जैसे ही अंधेरा हो जाता है, तो मैंने सोचा कपड़े कपड़े धोते अपने और रूम पे बैठ जाएंगे मस्त करके। बाकी सामने की लोकेशन आज कुछ ऐसी है और जैसे मेरे कपड़े धोने का मूड तो सूर्यदेव के आगे पीछे लगे हैं बादल, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा अभी। और वो रहा सामने पे हमारा होटल, यहाँ से जाना पड़ता है कि ना। रात को यहाँ दिवाली मनाएंगे मुझे लगता है, अगर मनाएंगे तो रात को मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि आज राम मंदिर का उद्घाटन हुआ ना, तो शायद पटाखे पटाखे जला सकते हैं, तो अगर जलाएंगे तो दिखाएंगे आपको, अगर जलाएंगे ना तो बहुत तगड़े जलेंगे यहाँ पटाखे, वो भी मैं आपको ब्लॉग में दिखाऊंगा अगर बाहर निकलने की क्षमता रही तो। वैसे नींद आ सकती है और मेन बात तो ये है ना, हमारा रात का खाना आएगा 10 बजे, तभी तो मैं भी होटल पे खाना खाने गया, पहले स्टॉक होना चाहिए ना अपने पास। अभी क्या करूं, चलो फिर से दर्शन कराते हैं मंदिर के, चलो फिर से चलते हैं मंदिर पे।
यहीं पास में बगल में चलते हैं। वैसे वाला जो व्यू है ये नाइट का व्यू है, और अभी नाइट का व्यू देखिए कितना प्यारा लग रहा है, चारों तरफ से लाइट ही लाइट। दोस्तों पहुंच चुका हूँ फाइनली मंदिर पे, और ये मैं भी अंदर से दर्शन कराता हूँ आप लोगों को, और अभी देखो नाइट का व्यू कितना गजब का लग रहा है। चलो अंदर चलते हैं। दोस्तों अभी मैंने अंदर से भी आप लोगों को दर्शन करा दिए माता रानी के, बाकी अब चलते हैं रूम पे। अंदर से मैंने दर्शन करा दिए, चलो फाइनली अभी हम निकल चुके हैं रूम से, मतलब सॉरी मंदिर से, और अब चलते हैं रूम पे। बाकी ना आप लोग कमेंट करना कैसा लगा, चलो। और अभी अंधेरा होने ही वाला है जस्ट थोड़ी देर में। ये घूम रहा हूँ मैं अकेले, एक और होता ना तो भाई साहब इतना मजा आता ना। रूम पे पहुंच चुका हूँ, बाकी मैं सोच रहा हूँ कि एडिटिंग करते हैं वीडियो, क्योंकि ये रूम पे रहते हैं मस्त बिस्तर के अंदर। बाकी उम्मीद करता हूँ आप सभी को ब्लॉग पसंद आएगा, तो लाइक शेयर कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मैं जसवीर भंडारी मिलता हूँ आपको जल्दी से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम। ये देखो आसपास हमारी सोसाइटी में हर जगह दिए दिए जला रखे हैं, और ये सामने पे गाइस है मंदिर। दोस्तों मेरी एडिटिंग अभी कंप्लीट होने ही वाली है, बाकी मैं भी बाहर गया था, बाकी अभी बाहर चल रहे हैं, बाहर चल रहे हैं पटाखे बहुत जबरदस्त ढंग पे। बाकी कमेंट करना यार आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा, और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। चलो एडिटिंग भी कंप्लीट, अब सो जाते हैं, रोटी आने वाली है थोड़ी देर में। 3 घंटे लगे पूरे एडिटिंग करने में, कुछ तो सपोर्ट करो गाइस। बाय बाय। तो गाइस अभी सोने का मन भी नहीं कर रहा, बाहर जाने का मन कर रहा, तो बाहर सर्दी हो रही है, रूम पे बैठ रहा हूँ तो रूम पे इतने सारे कंबल लेके गर्मी हो रही है, करूँ पर करूँ क्या। चलो 3 ही घंटे लेंगे, उसके बाद रोटी खाएंगे फिर सो जाएंगे। अभी का सीन है कि बाहर चेक करो गाइस, पूरा कोहरा ही कोहरा, और अभी हम जिम मार के थे, बाकी जिम हमारे ऊपर है सामने वाले पे, और अभी जिम करके जा रहे हैं रूम पे, टाइम हो चुका 9:30। तो चलते हैं यार बाहर, सुबह से कोहरा लगा है और बहुत ज्यादा ठंड हो गया, और ये जितने भी बाइक है ना सारी ये जिम वालों की है सब, और हल्की हल्की बरसात की बूंदे भी गिर रही है आज, आज बारिश की बूंदे गिर रही गाइस हल्की हल्की। अभी तो कुछ भी कोहरा नहीं है, बाकी ना सुबह जब मॉर्निंग जिम आ रहे थे ना तो आसपास कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, अभी तो बट कम हो गया थोड़ा, बट अभी बरसात हो रही है, बारिश की बूंदे पड़ रही है हल्की। तो अभी व्लॉग करीब सुबह 10 बजे स्टार्ट कर रहा हूँ, तो एवरीवन गुड मॉर्निंग, नमस्ते सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। बाकी आज के व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो चुकी है होटल से, और आसपास लगा आज पूरा कोहरा ही कोहरा, तो बहुत कम कोहरा लगा है, बाकी सुबह ना जब हम जिम गए थे बहुत जबरदस्त कोहरा लगा था, और साथ में बारिश की बूंदे गिर रही थी हल्की हल्की, तो काफी मजा आ रहा था, कोहरा भी साथ और बारिश भी हल्की हल्की बूंदे गिर रही थी, यहाँ नीचे भी गीला हो रहा था पूरा।
बस ये नहीं है कि मेरा नाश्ता आ चुका है, बाकी आज ज़्यादा मूड नहीं है खाने का, और आज एक ब्रेड और चाय बस सुबह का नाश्ता, बाकी अभी थोड़ी देर में खाना भी बना लेंगे। बाकी यार मौसम चेक करो, आज बहुत गजब को रुक है। चलो ये रुको जी, यहाँ पे है नाश्ता अपना सुबह का। चलो नाश्ता करते हैं पहले, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी कर लिया होगा। बाकी हमारा नाश्ता हो रहा है 11 बजे करीब, और खाना होगा 2:30-3 बजे। चलो जिसने भी कल का व्लॉग नहीं देखा ना, जल्दी से जाके व्लॉग देखो। तो कल काफी मजा आया था, और हम मंदिर पे गए थे, तो काफी सुबह का जो पूरा जो टाइम था ना वो बहुत गजब का गया। और कल मेरी छुट्टी भी थी, तो बाकी मेरी छुट्टी बहुत कल जबरदस्त गई, और दिवाली मनाई पूरी शहरों में पूरी जबरदस्त ढंग के। मैंने ब्लॉग में भी दिखाया थोड़ा बहुत, और मंदिर में काफी मजा आया। तो जिसने भी नहीं देखा गाइस जल्दी से जाके देखो, और चैनल को नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं, और सो गाइस कल ना भंडारे का खाना खा के मजा आ गया। पूरे दिन कल चाय नहीं पी, खाली एक बार दिन में आया था मैं चाय पीने, और 7 दिन में आया था चाय पीने, फिर उसके बाद चाय नहीं पी। बट कल भंडारे के खाना खा के बहुत मजा आया, बहुत बार खाया हमने तो 2-3 बार। मतलब मंदिर पे ना बहुत जबरदस्त मजा आ रहा था। अभी नाश्ता भी हो चुका, बाकी कल मेरी छुट्टी थी ना, इस वजह से मेरा भी काम है बाकी किचन में। तो सबसे पहले तो मैंने टमाटर ग्रेवी ग्राम करना, उसके बाद और बाकी काम बहुत सारा है। तो चलो अपना माल रेडी करते हैं पहले, तो देखते हैं कब टाइम मिलता है। तो अभी थोड़ा बहुत काम कर लिया, फिर आ गई हमारी चाय। और आज ना बाहर बहुत ठंड है, तो इसलिए चाय ज्यादा पी जा रही है। जी देखो बाहर पूरा कोहरा ही कोहरा, इसलिए चाय पीने का मन ज्यादा कर रहा है। सो गाइस अभी हमारा दिन का खाना आ चुका है, चना राइस। सो गाइस इसमें हलवा है और इसमें खीर, ये कल का प्रसाद है।